तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिड फंक्शन कैसे यूज करते हैं। एक यूजर ने लिखा था, मेरा एक लास्ट वीडियो था MIS इंटरव्यू 31 क्वेश्चन सीरीज 31, तो वहाँ पर इसने एक क्वेश्चन लिखा था कि जो प्लीज मेक वीडियो ऑफ MID फंक्शन मिड फंक्शन। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। देखिए मिड फंक्शन ये एक्सेल में भी होता है, एसक्यूएल में भी होता है, MS एक्सेस में भी होता है, BB मैक्रो में भी होता है और जो और भी सॉफ्टवेयर में होता है। तो अब क्वेश्चन है कि मिड फंक्शन करता क्या है, MID मिड फंक्शन क्या करता है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट हो, अगर हमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि किसी डाटा से कुछ पार्ट उसको पिक करना होगा, तो हम मिड करते हैं। पार्टिकुलर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर, देखिएगा इसमें 8 करेक्टर है, इसका अगर लेन पता कीजिएगा इसमें 8 करेक्टर है। और मिड करके अगर मैं इसमें न्यू करूँ और 2 से 3, तो इसका मतलब यह है, ये कह रहा है कि मिड में कह रहा है कि टेक्स्ट इज इक्वल टू मिड स्टार्ट, इस वैल्यू में से स्टार्ट नंबर कहाँ से, मैंने कहा 2 से, सेकंड पोजीशन से नंबर ऑफ करेक्टर कितना करेक्टर चाहिए, तो 3 करेक्टर। तो आप देखिएगा सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है सी, सेकंड पर है ओ, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से काम करेगा, फर्स्ट पर है सी सेकंड पर ओ, तो सेकंड से OMP आउटपुट आएगा इसे। तो यही काम मिड करता है, मतलब किसी एक चीज़ में से कट करना है। जैसे अगर 5 मीटर की रस्सी है तो उसने बोला कि 1 मीटर से स्टार्ट करो, वहाँ से 2 मीटर कट करो, मतलब स्टार्टिंग के 1 मीटर छोड़ दो, कुछ स्टेप समझ लो, या जी मतलब ये समझ लो कि किसी चीज़ में से कट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया, तो किसी ने बोला कि हमें कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कट करना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू उठाना है, यहाँ से कि यहाँ तक, मतलब कुछ इस समझ लिए कि यहाँ से स्टार्ट करो और इसको कट करके यहाँ से हटा दो, हमें ये आउटपुट चाहिए। तो ये काम मिड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें भी और सारे एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा है मनोहर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू मिड, इसको लिया सेल को सेलेक्ट किया और कोमा, अगर 1 से 2 कर दूंगा तो उसमें लेफ्ट साइड से पहले पोजीशन से 2 करेक्टर उठाएगा जो कि MA होगा। अगर इसी फार्मूला का आगे करोगे तो EL होगा, यहाँ आगे करोगे तो HA होगा। अगर यहाँ पर हैंडसम लिखा हो, अगर यहाँ पर मैं करूँ कि 3 से 2 करेक्टर तो ये आएगा। अब यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर करूँगा मिड इसमें 5 से 2 करेक्टर, तो देखिए यहाँ से 2 करेक्टर, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 करेक्टर ये उठाए मिड। तो यही काम मिड करता है। तो यही सेम काम ये हम जो एक्सेल में कर रहे हैं इसको हम BBM मैक्रो में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एरोप्लेन, मैंने यहाँ पे खोला BBM मैक्रो कोडिंग खोली, यहाँ पे लिखा सब टेस्टिंग, मैं यहाँ पर एक्टिव से ले लेता हूँ इसको, ये लिखा ना एरोप्लेन, इसको लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, मैंने एक्टिव सेल की जो यहाँ वैल्यू है इसको मैंने एक्स में स्टोर कर लिया, इसको विंडो को छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा वाई इज इक्वल टू मिड एक्स की जो वैल्यू है, एक्स में मैंने क्या लिया हुआ एरोप्लेन कॉल किया हुआ, इसमें से थर्ड पोजीशन से 2 करेक्टर उठाया गया। तो एरोप्लेन में देखिएगा थर्ड पोजीशन पर आर
वहां से दो कनेक्टर आर ओ, तो आउटपुट आएगा आर ओ। अब मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट देखिएगा आर 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 ओ। इसी को अगर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कीजिएगा वाई तो आएगा आर ओ। इसी को अगर मैं यहां पे कॉल करूं इस सेल में B6 में रेंज B6.value इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे B6 में आ जाएगा आर ए, नहीं सॉरी आर ओ। देखिए आ गया आर ओ। ये चीज़ होता है मीट का। हमें और एग्जांपल यूज करेंगे। ये हमारा मैंने आपको एक्सेल में दिखाया, यहाँ पे बीबीए कोड में दिखाया। अब मैं आता हूँ एसक्यूएल में। एसक्यूएल में मेरे पास दो इंस्टॉल है, मेरे पास एक तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल है और एसक्यूएल सर्वर। अभी मैं माई एसक्यूएल में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टेबल है कस्टमर, इसका ये डाटा है, इसको मैं सेलेक्ट किया। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर टेबल में जो भी था डाटा उसको हमने उसने दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ सेलेक्ट कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, तो ये कस्टमर टेबल से कस्टमर नाम का डाटा किया। अब मैं इसमें मीट यूज कर रहा हूँ, इसी में यहाँ पर लिखूँगा कॉमा कि कस्टमर टेबल से, उसी में मीट यूज करके आपको बताऊँगा कि कैसे यूज होता है MySQL में। तो यहाँ पर लिखा मीट और कॉमा कस्ट नेम, कस्टमर के नेम के जो फील्ड है कॉलम, उसमें से दो करेक्टर से, दो करेक्टर उठा लो, मान लो ऐसे कर दिया, या फिर दो से तीन उठा लो, तीन करेक्टर। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो इसके बगल में सारे में से दो दो करेक्टर कट करके आ जाएगा, उठ के आएगा। अब इसको मैं करता हूँ रन, अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे दो से थर्ड निक है NIC के, इसमें से तीन करेक्टर आया, दो से तीन करेक्टर मैंने लिखा है ना, दो कस्टमर नेम से सेकंड पोजीशन से तीन करेक्टर, BRAD RAD आ गया, ग्राहम GRA तो HAM, यहाँ पर है जॉफ कैमरन, तो सेकंड पोजीशन से क्या है EOF आ गया, यहाँ पर ग्राहम GRA, तो ये काम होता है मिड। एक चीज़ और जानिएगा कि जो मिड है ये इसका फीचर है कि एक स्ट्रिंग से, एक सेल के वैल्यू से, या एक वैल्यू कोई भी नंबर हो उसमें इतने पोजीशन से इतने पोजीशन कट करता है। ये हम एक्सेल में यूज करते हैं, ये हम बेबी मैक्रो में करते हैं। हो सकता है किसी और सॉफ्टवेयर में मिड के बदले कुछ और काम हो, सॉरी मिड के बदले मिड का नाम कुछ और हो, मिड ने हो वहाँ पर कुछ फंक्शन का नाम कुछ और काम ऐसा ही करता हो। जैसे अगर अब मैं MySQL में आ जाता हूँ, सॉरी SQL सर्वर में, यहाँ भी सेम टेबल है, तो MySQL में यही काम सब स्ट्रिंग फंक्शन करता है, सब स्ट्रिंग। यहाँ पर लिखूँगा, देखिए मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल का गया, अब मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट कस्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर का नाम आ गया टेबल से। अब मैं इसी में करता हूँ, इसी में कॉमा लगा के अब यहाँ पर करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँगा मिड कस्ट नेम दो से तीन करेक्टर उठा लो, मैंने मिड लगाया, इसको मैंने रन किया तो एरर आ गया, कह रहा है ये मिड इज नॉट रिकॉग्नाइज बिल्ट इन फंक्शन नेम, मतलब SQL सर्वर में मिड नाम का कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन यही काम जो मिड हमारा एक्सेल में काम करता है, वही काम एक्सेल SQL सब सर्वर में सब एक्सट्रिंग करता है, सब स्ट्रिंग करता है, सेम काम करेगा। अब देखिए अब इस क्यूरी को मैंने रन किया, देखिए NIC के निक है, इसमें से सेकंड पोजीशन पर है NI, सेकंड पर है आई सी के BRAD ब्राड। अब इसको मैं थोड़ा कैपिटल में कर देता हूँ तो थोड़ा सा और से समझ में आएगा,
इसको भी कर देता हूँ कैपिटल में। देखिए है ना, सेकंड नाम है ब्राड, BRAD ब्राड। तो मैंने दिया है यहाँ पे 2 से 3 ब्राड कस्टमर नाम है। तो सेकंड पोजीशन पर है R, उसके बाद 3 कैरेक्टर RAD, तो यही सब स्ट्रीम। तो मैंने क्या कहा, जो मिड का काम है एक्सेल में, जो मिड का काम है MID मिड, मिड जो इस सेल के किसी पर्टिकुलर वैल्यू से या सेल वैल्यू से या किसी स्ट्रिंग से या कोई नंबर से इतने पोजीशन से इतना पोजीशन कट करता है, वही काम SQL सर्वर में सब स्ट्रिंग फंक्शन करना करता है, सब स्ट्रिंग। तो ये मतलब अगर आप मिड के नाम जानते हैं, मिड के फीचर जानेंगे, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में हो सकता है ये अलग नाम से हो, ठीक है। तो ये एक्सेल में यूज कर लो, SQL में कर लो, एक्सेल BBA में कर लो, MySQL में कर लो, शायद पावर BI में कर लो, इस तरह से जावा कुछ भी हो सकता है, कुछ स्टेट है, हो सकता है कि नाम अलग हो। अब मुझे सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है। अब मैं एक्सेल में मिड का कोई और यूज करके बताता हूँ, एक सिंपल है। अभी मैं एग्जांपल नंबर आता हूँ 2 पे, अभी 1 पे नहीं आता, 1 थोड़ा टॉप टॉप हो जाएगा, उसको मैं बाद में आऊँगा। इसमें क्या है, राजीव कुमार किसी का नाम है या मोहन राय क्या है या कुछ इस टाइप से नाम है, इसमें मुझे फर्स्ट नेम उठाना है। तो जब इसको गौर कीजिएगा तो जो फर्स्ट नेम होगा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और जहाँ भी स्पेस होगा उससे पहले तक का फर्स्ट नेम होगा, क्लियर। तो हम यहाँ पर हम पहले फाइंड करेंगे कि इसमें स्पेस कहाँ है। तो मैंने स्पेस फाइंड किया यहाँ पे, 7वें पर स्पेस फाइंड है, लेकिन हमें स्पेस तो उठाना नहीं है, स्पेस से 1 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर दिया मिड, इसमें कहाँ से स्टार्ट करना, फर्स्ट नेम में तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो पहला से कितना करेक्टर उठाना है, तो 6 करेक्टर अभी लिए थे, इसको हमने कॉल किया, देखिए राजीव आ गया। और इसको कॉपी करके अभी 6 जो लिए थे ना C3, उसको मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देखिए फर्स्ट नेम क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक और नाम मान लो लिखता हूँ, D सिंह, तो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा, इस फॉर्मूला कॉपी करके देखिए डी आ गया, ये हो गया फर्स्ट नेम। अब मैं लास्ट नेम की बात करता हूँ, अगर लास्ट नेम पिक करना हो तो कैसे करेंगे। लास्ट नेम देखिए, लास्ट नेम के लिए लॉजिक क्या बनेगा, जहाँ भी स्पेस होगा उसके बाद से स्टार्ट होकर सारे ले लो, क्योंकि अगर ये 2 नाम का है तो, अगर नाम में 2 वर्ड का नाम है, जो भी नाम है, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, मनीष सिंह, मनीष दुबे, राज राय, विकास बत्रा स्टी से, मैं जहाँ पे 2 नाम का वर्ड हो किसी के नाम में, तो उसके बाद जो भी ले लो सारे लास्ट नेम हो जाएगा। तो यहाँ भी हम फाइंड करना पड़ेंगे स्पेस, फाइंड स्पेस दिया और यहाँ पे फाइंड किया, तो 7वें पर पोजीशन है स्पेस, लेकिन मुझे स्पेस तो लेना नहीं है, लास्ट नेम की बात कर रहा हूँ, तो स्पेस के बाद से उठाना है, तो 7वें पर स्पेस है तो +1 कर देंगे। 8वें पर अब यहाँ पर कर रहा हूँ मिड, इसमें 8 मतलब जहाँ पे स्पेस है उसके बगल में, 8 ये डायनेमिक होगा, अगर थर्ड पोजिशन पर स्पेस होगा तो यहाँ पर 3+1 आएगा, अगर सेकेंड पर होगा तो 2+1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको कॉल किए जो पहला स्पेस +1। इसके बाद हमें पता नहीं कि कितना करेक्टर है लास्ट नेम में, लेकिन उसके बाद लास्ट नेम के अलावा कुछ है नहीं, तो हम लेन लगा के अब पूरा वैल्यू भी डाल सकते हो। बस देखिए आ गया कुमार, इसको कॉपी कीजिएगा, इसको यहाँ पर C18 में पेस्ट कर दीजिएगा, इसको चेक करना है लेन करके, तो इसमें देखिएगा 5 करेक्टर है, ठीक है। इसी फार्मूला को यहाँ पे लाओगे तो आ जाएगा रे। अब यहाँ पे फार्मूला है, एक नाम है जिसका फर्स्ट नेम है ये, सेकंड नेम है बी, यहाँ पे फार्मूला कॉपी करके पेस्ट कीजिए, बी आ गया, ठीक है। अब एक और फंक्शन हम एक और यूज करते हैं,
यह है मिड लैम। मिड लैम कब पिक करना है? जब हमारे पास तीन वर्ड का नाम हो, जैसे राजीव दास सिंह, मोहन एस राय रे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा मिड लैम, तो पहला जो स्पेस होगा उसके बाद से स्टार्ट होगा और सेकंड जो स्पेस होगा उससे पहले इस बीच की जो होगी करेक्टर वो होगा मिड लैम। तो हमें बारी बारी से पहला स्पेस भी पता करना पड़ेगा और दूसरा स्पेस भी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले पता कर रहा हूँ फर्स्ट स्पेस, तो फाइंड करूँगा इज इक्वल टू फाइंड, इसको लिया कितने पर है, सात पे। तो हमें सात पे तो स्पेस है, तो स्पेस तो नहीं लेना है, तो स्पेस प्लस वन, आठ से लेना ऐसा बोलेंगे। एक्स को अभी नहीं प्लस वन नहीं किया हूँ, अब हमें सेकंड स्पेस फाइंड किया है। तो सेकंड स्पेस जो हम फाइंड करेंगे, तो अगर फिर से हम ऐसे लगाते हैं फाइंड स्पेस ये इसमें, तो सेम एग्जांपल दे देगा से साथ, लेकिन एक्सेल में फीचर क्या है कि फाइंड में एक इसके बाद एक और है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट नंबर है। अब मैंने पहले वाला स्पेस है उसके प्लस वन कर दूंगा, तो उसके बाद वाला जो स्पेस होगा उसका पोजीशन बताएगा, लेकिन वो पोजीशन स्टार्टिंग से है वो पोजीशन बताएगा, लेकिन सातवें के बाद से काउंट कर पे पिक करना शुरू करेगा। तो हम इसको और प्लस वन कर देंगे। अब हमें और इसको कॉपी करके जो हम यहाँ पे उठाए हैं ना, इसको ये बता रहा है कि जो पहला जो है स्पेस वो सातवें पर है और सेकंड ग्यारहवें पर है, ठीक है। पहला है सात पे और सेकंड ग्यारह पर, तो यहाँ पे कर देंगे ये और माइनस वन, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि सात के बाद से एक उठाना है, सात के बाद से, तो हम लोग ऐसे करेंगे ये माइनस वन और एक और माइनस कर देंगे थ्री बस। अब यहाँ पर लगाओगे आप मिड, इसमें से कहाँ से उठाओ, पहला स्पेस है सात, तो सात नहीं करना, सात प्लस वन, इससे कितना कैरेक्टर, तो ये जो है डिफरेंस, इसको देखिए अगर दास। अब इसमें जो जो फार्मूला यूज हुआ है सबको यहाँ से आप कॉल कर लीजिए, ई फिर एफ टू कीजिए जो हाईलाइट है, या ये है डी, अब ये है सी, सी तेईस यहाँ पे दे दिया और एक और सी तेईस आ रहा है, बस देखिए। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नाम ए बी सी, इसका निश्चित रूप से फर्स्ट नेम होगा बी। अब इसी फार्मूला को कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट किया, हो गया बी। अब इसी चीज को मुझे यहाँ से उस नाम को उठाना है जो ब्रैकेट के अंदर है, जैसे बेस्ट वेरी, तो हम इसी फार्मूला को कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जो हमने यहाँ लेकिन यहाँ पे चीज और गड़बड़ है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, तो इसको हम अलग ढंग से बना लेते हैं, किसी और ढंग से बना लेते हैं सिंपल से। तो यहाँ पर हम लोग पहले फाइंड करेंगे इसको, इसको तो लिखोगे इज इक्वल टू इज इक्वल टू फाइंड, इसको इसमें फाइंड करो कौन से पोजीशन पर है, और फिर फाइंड करो इसको, फाइंड किसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है किसमें, इसमें इसका दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस ये माइनस वन, लेकिन मैंने कहा कि ये तो स्पेस है, स्पेस तो हमें लेना नहीं, हमें इसको भी नहीं लेना है, ब्रैकेट को भी नहीं लेना, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे माइनस वन, और यहाँ पर करेंगे मिड, इसको पिक करेंगे कहाँ से लेना है, तो जो पहला जो ब्रैकेट स्टार्ट होगा उसके बाद से एक स्टार्ट करना है, और कितना कट करना है, इतना कट करना है, देखिए बेस्ट आ गया। इसका अगर लेंथ चेक करोगे
तो 4 आ जाएगा। अब इसमें जो जो फार्मूला यूज हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, C9 का एक यूज यहाँ पे हुआ है और C9 का एक यूज यहाँ पर हुआ है। अब इसको हटा भी दे देंगे ना तो भी हमारा काम का होता रहेगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट देखिए वेरी। अब यहाँ पर एक और चीज़ डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाला ए बी सी डी और यहाँ पे कर रहा हूँ ई कुछ ब्रैकेट में आने से कुछ और चीज़ हो रहा है, तो इसको हम जी एच आई यहाँ पे आना चाहिए आउटपुट जी। तो इसी फार्मूला कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, देखिए जी आ गया। तो हम ये तो मतलब कहीं होता मिड क्या करता है, किसी स्ट्रिंग से किसी वैल्यू से, कोई भी नंबर है किसी सेल के वैल्यू है, उसमें से पार्टिकुलर पोजिशन से पार्टिकुलर करेक्टर नंबर ऑफ करेक्टर, मतलब अगर 20 कैरेक्टर के है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट से 5 कैरेक्टर काट लो, दो से 4 कैरेक्टर काट लो, थर्ड पोजीशन से 1 कैरेक्टर काट लो, या हम हमारी रिक्वायरमेंट होगा उतना हमें पिक करना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से मिड का यूज होता है। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट यूज होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस टाइप से हम फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। फिर और सेम चीज़ मैंने जैसे बता दिया कि हम बीबीए में मैक्रो में करते हैं, हम एसक्यूएल सर्वर में करते हैं और MySQL में करते हैं, ठीक है। फीचर वही है, हो सकता फंक्शन का नाम कुछ अलग सॉफ्टवेयर में अलग रखा हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। ये फाइल मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।